नमस्कार जी, राजस्थान में आप सभी का स्वागत। में आपके साथ गगन बात करेंगे। देश में लगातार कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड बनते जा रहा है और देश में अब तक वैक्सीन का कुल डोज 115 करोड़ के पार पहुंच चुका है। भारत ने कोरोना से लड़ाई में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में अब 115 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। शुक्रवार को ही 46 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। यह आबादी कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आइए आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि भारत के कितने लोगों के पास कोरोना से बचने का सुरक्षा कवच है। अभी तक भारत में 115 करोड़ 73 लाख वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। 1 करोड़ 83 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और 1 करोड़ 62 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बात करें तो 17 करोड़ 98 लाख लोगों को पहली और 10 करोड़ 90 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की बात करें तो 11 करोड़ 26 लाख लोगों को पहली और 7 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। देश के युवा यानी 18 से 44 साल की आबादी की बात करें तो 43 करोड़ 90 लाख लोगों को पहली और 18 करोड़ 41 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। कोरोना के टीके को लेकर तमाम राजनीतिक और सामाजिक बहसों के बाद भी इस आंकड़े तक पहुंचना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।